रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में पहली बार यानी कि 10वें दिन रूस का यूक्रेन के दो शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया है। लोगों को बाहर निकलने के लिए एक कॉरिडोर खोला गया है। यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने दो शहर मारियूपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान किया है। यूक्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है, यानी जब तक यहां फंसे हुए लोगों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक हमले नहीं किए जाएंगे। भारतीय समय के अनुसार सुबह 12:30 बजे सीज फायर किया गया। इससे पहले यूएनएससी की बैठक में रूस ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय छात्र और अन्य विदेशी नागरिक जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए हम तैयार हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भी पुतिन से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को रूस के रास्ते ही रेस्क्यू करने पर चर्चा की थी। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।